घाटी है पूरी ये भी। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो आज का ब्लॉग सुबह के इस मेरे बेडरूम से स्टार्ट होता है। बाहर का मौसम कैसा है और ऊपर जाके देखते हैं भाई कि क्या है मौसम कैसा है, और चलते हैं नए एक ब्लॉग पे, नए टूर पे। तो आज फिर हम चलेंगे एक नए टूर पे गाइस। सब कुछ ऐसा है यार, मस्त मौसम है। तो आज अपन जाएंगे कवर्धा जिले पे जाएंगे यार। हाँ, तो आज अपन चलते हैं कवर्धा साइड, वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है और कैसा है। उधर है 5-6 जगह हैं, वहाँ पे डैम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे डैम्स हैं, सरोगा डैम, छिल्पी घाटी। तो आज अपन चलेंगे छिल्पी घाटी, और ऐसे मौसम में जाने का मज़ा अलग है। तो अभी पूरे के पूरे ऐसे कोहरा ही कोहरा है सब तरफ, और ये देखो, देख सकते हो। तो मैं आ गया बेडरूम में भाई, ये रहा मैं। तो अभी अपन रेडी होते हैं, अभी चलते हैं फटाफट। सो गाइस, फाइनली मैं हो गया रेडी, डिसाइडी होके हो गया एकदम रेडी। चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या हो रहा है, क्या कर रही है मम्मी। और अपन देखते हैं, देखो मम्मी भाई मेरी रोटी बना रही है अभी। हाँ। क्या बना रहे हो मम्मी? आटा गूंदा था, पूरी बनाऊं। आटा गूंदा थे, पूरी बनाई। तो मेरे घर ना भाई सुबह 9 बजे तक खाना बन जाता है, और अपन खाना वाना खा के सब चल भी जाते हैं। पापा अभी भी 7 बज गए, ड्यूटी चले गए भाई। पापा ड्यूटी चले गए और अभी मेरी रोटी बना रही है अभी, मैं भी अपने राइड पे। तो चलो अभी चलते हैं, लकी आ रहा है। और मेरा गाड़ी ये कल सर्विसिंग कराया है पूरा अच्छे से एक बार, और तो चैन वैन क्लीन करवाया यार, बिकॉज मैं कांकेर और यहाँ से आया तो मैं क्लीन नहीं करवाया था, और चैन बहुत ब्लैक हो गया था। तो चलो अभी चलते हैं अपन रेडी होके, अभी तो हेलमेट वेलमेट लगाते हैं, अभी जैकेट वगैरह रेडी हो गया, फिर अपन गेटअप पे हैं। तो अब चलते हैं अपन नीचे। बाय बाय भाई, आज हम आपको छत्तीसगढ़ के दर्शन कराएंगे। हाँ, छत्तीसगढ़ के दर्शन कराएंगे छिल्पी घाटी। फाइनली अपन निकल गए हैं अभी, और रूल वगैरह भी कम है तो उधर ही डलाएंगे अपन सीधे। तो अभी अपन सीधे निकलते हैं यहाँ से, ठंड है, बोला था सुबह ठंड नहीं लगेगा, लेकिन बाइक में जैसे ही यहाँ ठंड बढ़ जाता है। तो ये देख रहे हो रोड के बीच में सेल्फी ले रहे हैं भाई, वाह सुबह सुबह का लग रहा है ठंड, पता नहीं अभी और भी ठंड लगेगा क्योंकि ये तो सिटी है। तो लक्की चले फिर, चलते हैं। तो लक्की जुड़ गया, और हमारा रास्ता इधर से है सीधे सीधे। तो अब हम चलने वाले हैं यहाँ से, पूरे कोहरे ही कोहरे हैं, ना ही दूर दूर से कुछ दिख रहा है ना कुछ। भाई ये नज़ारा, आहा वाओ, भोरमदेव वाले रास्ते पे, और यहाँ से भोरमदेव समथिंग 15 किलोमीटर है। तो हम लोग बस भोरमदेव वाले रास्ते में आ गए हैं, और यहाँ से सीधा अपन जाएंगे छिल्पी घाटी की तरफ। तो अभी अपन भोरमदेव क्रॉस करेंगे और छिल्पी घाटी सीधा रोड पकड़ेंगे, रास्ते पे है। और ये भोरमदेव के से अंदर वाला रास्ता है जो सीधे सीधे छिल्पी घाटी की रोड पे पहुंचाता है ये। तो इधर भी मस्त मस्त व्यू है, और ऐसे पॉइंट है, व्यू पॉइंट है। तो हम लोग इधर आ गए हैं मस्त देखने के लिए, घाटी है पूरी ये भी। सब लोग पहुंच चुके हैं अभी इन पहाड़ों पे। पहाड़ों पे आके ऐसे डांस कर सकते हैं, अबे गिलास नहीं है। ये देखो यार क्या नजारा है भाई, पूरा कोहरा ही कोहरा, और ये देखो रास्ता, ये रहा रोड भाई, ये है रोड।
और हम वहाँ से सीधा चढ़ते हुए इधर आ रहे हैं। हालत खराब है। हाँ और पैर अकड़ गया है ठंड के कारण, हालत खराब है ठंड के कारण, हालत खराब। चलाने की आदत है, आज बैठ के आ रहा हूँ तो अकड़ गया हूँ। इस अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर व्यू पॉइंट देखने, और यहाँ का व्यू देखते हैं नजारा कैसा है भाई। ये तो फुल खतरनाक है, टूटा फूटा लग रहा है देखो, और हम इसी में चढ़ रहे हैं। एक बार कूदेगा लक्की भाई तो भसक जाने का। लक्की चढ़ रहा ऊपर और मैं भी चढ़ रहा हूँ अभी। वे 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 ठोका ठाकी ना करो। ये देखो इतने खतरनाक हो गए हैं, और ये व्यू वाह क्या पहाड़ है भाई। ये तो पेड़ ही पेड़ दिख रहे चारों साइड भाई। ड्रोन रहता ना यार, सच बता रहा हूँ गाइस, जस्ट वेट कर रहा हूँ ड्रोन का मैं 2-3 महीने, उसके बाद ड्रोन लेते हैं, ड्रोन से सिनेमैटिक शॉट लेते हैं और ऐसे नज़ारे आपको दिखाएंगे अपन, ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाएंगे अपन ड्रोन से। एक बार ड्रोन आने दो, फिर ड्रोन आएगा ना तो यहाँ और आ जाएंगे एक बार, ऐसा लग के आएगा ना तो उड़ाऊंगा ड्रोन, फिर दलहा पहाड़ चलेंगे। हाँ बिल्कुल, वहाँ का सिनेमैटिक शॉट गाइस, जब ड्रोन उड़ता है ना वहाँ से जो आता है ना व्यू भाई, देखने लायक रहता है यार। और यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत सारे व्यूज पॉइंट है, जंगल है, पहाड़ है, कि देखते देखते ना अपन थक जाएंगे, लेकिन जंगल ख़त्म ही नहीं होगा यहाँ का, और ऐसे ऐसे शॉट्स मिलेंगे ना। और यहाँ तो वाटरफॉल की बात ही मत करो, बहुत से वाटरफॉल, कितने वाटरफॉल होंगे लक्की बता दो। 50-60 तो गाइस आप लोग को पता है तो बताओ कितने सारे वाटरफॉल है। और फिर हम लोग ये पहाड़ से व्यू और फोटोज लेते हैं और चलते हैं बाकी तो ऊपर। इसके ऊपर और भी है, इसके ऊपर और रोड है, ये जा रहा है जो रास्ता ऐसे, तो इधर चलेंगे अपन। तो चलो गाइस अभी यहाँ गाइस अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और यहाँ से चलते हैं सीधे इस रास्तों पे। तो चलो कंटिन्यू बने रहे, बाद वो बोर्ड देख रहे हैं हम लोग, और हम लोग चढ़ने के बाद वो बोर्ड देख रहे हैं। देखो चढ़ना मना है, तो अभी हम चलते हैं अपने बाइक को उठाते हुए और चलते हैं यहाँ से सीधे इस रास्तों पे, ऐसे रास्तों पे। तो खाना नहीं रोटी कराया ना, तो गाइस यहाँ गया पराठा ला रहा, रोटी और पराठा, और हमारा लक्की भाई है अभी जो खाएगा तंदूरी रोटी एंड पराठा, और ये है पनीर मसाला। और अपन आज ये रोड के पास ही है ढाबा, चिल्पी घाटी ऐसे चढ़ोगे तो उधर से ही बीच सेंटर पे ही है ये, और ये अच्छा है खाने के लिए। तो सुबह से निकले थे हम लोग, खाए नहीं थे, तो अभी रुक के हम लोग खाने वाला खा रहे हैं गाइस। और ये देखो इसको, ये तो हाथ एकदम लपेटते हुए अब पराठा मेरा आ रहा है अभी, और भाई ये पूरा लपेटेगा अच्छे से। वाह खाने के बाद मिलते हैं गाइस, चल लग के स्टार्ट कर दे खाने तू तो। ओके हम लोग अभी फाइनली उधर से सीधा इधर डैम बांध वगैरह आ गए घूमने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सरोदा बांध, ये है अपना कवर्धा जिले पे, तो इधर भी ये बांध मस्त है। तो अपन चलते हैं सीधे सीधे इधर से सरोदा बांध,
तो अभी भोरमदेव से सीधे सरोदा बांध और इधर। तो गाइस हम लोग कुछ ऐसे पहाड़ों के बीच ऐसे सरोदा डैम में आ गए हम लोग, और ये डैम जो है बांध है पूरे पहाड़ों के बीच, जो ऐसा नज़ारा है भाई ये देखो यार, लुक है और क्या मस्त लग रहा है। और हमारी हालत ख़राब हुई रखी है तो हम लोग अभी बस चलते जा रहे हैं। भाई अपन यहाँ आए हैं तो यहाँ देख रहे हो कोहरा ही कोहरा है, कोहरा ही कोहरा। और लकी माहौल का कैसा मजा ले रहा है तू? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पोट्टे जहाँ भी आते हैं मजे करके जाते हैं। ये देखो इधर है गार्डन, और ये बांध का पानी यहाँ से जाता है, और ये है सरोदा बांध। तो भाई आप लोग बताओ आए हो कि नहीं यहाँ कमेंट में। और ये है पहाड़ों के बीच ऐसे जगहों पे। हम लोग अभी लक्की के साथ अभी निकल गए हैं यहाँ से रिटर्न जाने के लिए। हमारी गाड़ी की छेड़छाड़ हो रही है, और हमारी गाड़ी की छेड़छाड़ हो रही है, हमारी गाड़ी की छेड़छाड़ हो रही है। हम लोग पता नहीं कौन कौन से रास्ते से कहाँ कहाँ आके भटकते हुए आए हैं और जा रहे हैं। इस अपन यहाँ से निकलते हैं, लक्की अभी बाइक मोड़ रहा है और अपन यहाँ पे हैं, चलते हैं अब यहाँ से सीधे रायपुर की ओर। रायपुर चलते हैं, चल गए हैं अभी और सीधे अपन अब रायपुर के लिए निकलते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 3 घंटे तो लगेंगे ही, 2.5-3 घंटे। तो सीधे रायपुर निकलते हैं यहाँ से अपन, और रोड ऐसे हैं भाई वाह, ऐसे रोड चल रहे अपन, और ये पहाड़ों का मज़ा लेते हुए जाएंगे। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ।